या गांव में बच्चों के फंसने का मामला। नदी का बहाव कम होने के बाद बच्चों को भिजवाया जा रहा घर। बच्चों को मासी नदी के उफान के चलते रोका गया था। पुलिस अधीक्षक दूदू शांतु सिंह मौके पर पहुंचूत। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, कई बच्चे फंस गए हैं। रही बच्चों की संख्या 42 और 8 टीचर फंसे रहे, कुल 50 लोग फंसे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन खन्ना जुड़ गए हैं। पवन, देखिए जिस तरह से करीब 50 लोग फंसे हैं, क्या है ये पूरा मामला? जो बारिश हुई और मासी नदी में तेज उफान आने के कारण पटपट पानी 2 से 2.5 फुट बहने लग गया, जिसके कारण बच्चे स्कूल में ही कार्यक्रम के बाद फंस गए और उनको सुरक्षित परिवारों ने, जो वहाँ के गांव के लोगों ने बच्चों को अलग अलग, तीन तीन चार चार बच्चों को अलग अलग मकानों में अपने पास रख लिया। आज 24 घंटे तक लगातार रपट में पानी बहने के कारण बच्चों को वहां से निकाला नहीं जा चुका था, जिसके बाद 24 घंटे बाद अब बच्चों को सुरक्षित वहां से निकालकर परिजनों के पास भेजा जा रहा है। वहीं दूदू ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण के एसपी शांतनु सिंह, एडीएम गोपाल परियार, एसडीएम राकेश चौधरी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और 24 घंटे बाद बच्चों को सुरक्षित निकालकर। लेकिन ये भी लेकिन ये भी तो देखिए कई तरह के सवाल खड़े करता है। जिस तरह से पूरी रात करीब 50 लोग फंसे रहे, ना एसडीआरएफ की कोई टीम पहुंची, ना ही कोई मदद उन तक पहुंची, अब 24 घंटे के बाद प्रशासन वहां पर पहुंच रहा है और उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। कृतिका, इसमें ये कहना चाहूंगा कि रपट में पानी का तेज बहाव होने के कारण एसडीआरएफ टीम में कोई भी किसी प्रकार का कचरा नहीं ले सकते। बच्चों को निकालने के लिए पानी की रपट में कम होना बहुत जरूरी था। अब रपट में पानी कम हुआ है, जिसके बाद लोगों को ट्रैक्टर के माध्यम से इस तरफ लाया गया है और जयपुर ग्रामीण एसपी और एडीएम सर के साथ गाड़ियों में, सरकारी गाड़ियों में बच्चों को परिजनों के पास पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पवन आपने बताया कि किसी को कोई बुरी खबर नहीं है, कोई जो है नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे पूरे 24 घंटे जो है वो अपने परिजन से दूर रहे, उनके परिजन इंतजार करते रहे, चिंता तो होती है। इसके अलावा खाने पीने का क्या इंतजाम किया गया प्रशासन द्वारा? इसमें ये कहा जा सकता है कि जो एसडीएम थे राकेश चौधरी, वे प्रशासनिक अधिकारियों ने खाने पीने का पूरा इंतजाम ग्रामीणों को कह दिया था और ग्रामीणों ने अपने घरों से बनाकर बच्चों को खाना खिलाया है और बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं हुई। प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद थे, लेकिन वहाँ गांव में संपर्क नहीं होने के कारण जो परिजनों ने, गांव के लोगों ने बच्चों की सहायता की है और बच्चों को खाना वगैरह खिलाकर उन्हें वहाँ रोका गया है। रात भर बच्चों और जो अध्यापक थे वो भी मौके पर वहीं ग्रामीणों के पास घरों में मौजूद थे। बिल्कुल, और देखिए बीच ये भी खबर आ रही थी कि 2 बच्चों की तबीयत भी वहां पर खराब हो गई थी, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है अभी फिलहाल? नहीं, बिल्कुल, प्रशासनिक अधिकारियों की पूरी नजर इसके ऊपर बनी हुई थी और बच्चों को सुरक्षित सभी को वहां से परिजनों के पास भेजा जा रहा है।
जयपुर ग्रामीण एसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एडीएम गोपाल परियार वहां मौके पर मौजूद हैं, एसडीएम मौके पर मौजूद हैं, आला अधिकारी सभी मौके पर मौजूद हैं, सभी बच्चे अभी सुरक्षित हैं, किसी प्रकार का कोई बीमारी या कोई भी अभी बात अभी सामने नहीं आई है, ये बात होती है। नहीं, लेकिन देखिए उनके परिजनों द्वारा कहा गया कि दो बच्चों की तबीयत खराब हो गई है, हालांकि 50 लोग फंसे थे और बच्चे जो हैं वो छोटे थे और जिस तरह से वो अपने परिजनों से 24 घंटे तक दूर रहे तो सवाल तो प्रशासन पर खड़े होंगे। बिल्कुल कृतिका, ये तो माना जा रहा है कि प्रशासनिक कुछ तो ढिलाई रही होगी जिसके कारण बच्चों को 24 घंटे बाद निकाला गया है। रपट में पानी तेज बताया जा रहा था जिसके कारण बच्चों की जीवन को पहले देखा जा रहा था कि रपट में से पानी इतना तेजी से 2 से 2.5 फुट बह रहा है। वहीं आज मैं आपको बता दूं कि दूधू से फागी रोड पूरी तरह से बंद पड़ा है, गाड़ियां इधर से उधर नहीं जा पा रही है, चाकसू से फागी आने वाला रास्ता पूरी तरह से सड़क मार्ग पे पानी है, 1.5-2 फुट पानी होने के कारण छोटी गाड़ियां बिल्कुल नहीं निकल रही है, बड़ी जो बोलेरो है और सरकारी गाड़ियां हैं वो भी बड़ी मुश्किल से मौके पर पहुंच रही है। बिल्कुल, और देखिए परिजनों से क्या आपके द्वारा बात करने की कोशिश की गई, क्योंकि जिस तरह से इतने बच्चे फंसे हैं क्या उनके परिजनों ने कुछ कहा है इसको लेकर? जाहिर सी बात है परिजनों से अभी किसी प्रकार की कोई बात नहीं हो पाई है, परंतु वहां मौके पर आला अधिकारी हैं, वो बच्चों को सुरक्षित गाड़ियों में सरकारी गाड़ियों में निकालकर उनके घर भिजवाने का सबसे पहला कार्य ये कर रहे हैं ताकि बच्चे सुरक्षित पहले घर पहुंचे। बिल्कुल, और प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है, किस तरह से बच्चों को घर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, पवन ये भी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। बिल्कुल, जयपुर ग्रामीण एसपी शांतनु सिंह, एडीएम गोपाल परिवार, एसडीएम अपनी खुद के स्वयं की गाड़ियों से बच्चों को गाड़ियों में बैठाकर बच्चे हंसते भारत माता जय के नारे लगा रहे हैं और बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं, प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर बच्चों को सुरक्षित निकाल रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सीधा आपको वहीं ले चलते हैं।